आएंगे नहीं, बच गए अभी के लिए। और यहाँ पे ब्लाइंड ईस्पोर्ट नजर आती हुई सामने की तरफ। अरे इंद्र रे, जस्टिन मिस्टर, जस्टिन मिस्टर, अयो देखिए जंप शॉट पर मारिया जरूर से अच्छा ले रहे हैं और इनके पास कॉर्नर जरा ओवर मैक रेंडो वेर थे, रेंडो वेर थे ज्यादा जंप शॉट में किफायती साबित हो सकती है, बट इंतजार रहेगा बिकॉज़ ओवा के बाद यहां पे थर्ड पार्टी तो कंफर्म आएगी। ये बढ़िया क्रिएटिव एंगल यहां पर था, बट रॉनी ने यहां पे डीवीएस से एक प्लेयर को डाउन करा। मान लिया थोड़ा सा हां कहीं वो नाइस करा, नाइस मोरे इनके अम्मो, नाइस करा होना सही तरीका भी है। चार वर्सेस बिना कोई कैजुअलिटी थर्ड पार्टी, थर्ड पार्टी, थर्ड पार्टी, थर्ड पार्टी एस वार ने रेडिट ओडी प्लान में चेंज है। हां एस वार ने मुक्का मचू बट ओपनिंग कहां से आएगी, जहां प्लेयर को रिवाइवल देना है वहां रिवाइवल मिल रहा है क्या, उसका फायदा उठाया जाएगा। ओपन में थे, डाउन कर दिए गए, एक पिट को एक बार फिर से थोड़ा सा चार फिनिशेस उनके नाम। ग्लैडिएटर ईस्पोर्ट्स आई थिंक मुझे लगा था कि ब्रिज को ब्लॉक कर सकते हैं, वेट कर सकते हैं, बट इस बार लेट कमर्स वाला इनका गेम प्ले नहीं आया, जल्दी निकल गए। ഇവനി പൊസിഷൻ ഭയങ്കര ഷോവാ, കാരണം പുറകിൽ നിന്ന് തീരും അഭി ജസ്റ്റ് റിവൈവൽ ആണ്ട് വരുന്നു പുറകിൽ കൂടെ നോക്കുകേ एक बार ആണ് ആ സെയിം ടീം ആണല്ലോ एक बार फिर से हील करेंगे, बट क्या दोबारा ग्रेनेड आएगा, क्या दोबारा से एस पावर अपने घुटनों पर आएंगे, क्योंकि अगर इन्होंने एक बार हील कर लिया तो उसके बाद गॉड्स इनको एक बड़ा टफ चैलेंज जॉइन की तरफ से आते हुए देखने को मिल सकता है। गॉड्स थोड़ा यहां पर ब्लेस नाइस 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 रोनी ने फिनिश किया और पूरे तरीके से नॉक एंड फिनिश करते हुए निंजा जॉर्ड। गन फाइट्स की जब बारी आती है तो कहीं ना कहीं गॉड्स इनके स्क्वाड का भी पड़ला थोड़ा भारी रहता है। कोनोस कमिंग अप विद द ग्रेनेड्स, ये यहां पर एल की जगह पर हो क्या रहा है, इस कंपाउंड को बोलेंगे ओ विषड़ा होना है, स्कैम है विषम, मिनी मेलल में आ सकती है क्या, फोर्थ पार्टी आएगा उनके बाद, तो फाइट तो चल रही है। ओयो ये निंजा आनी है, इन्ने എന്തൊക്ക നടക്കടാ ഇവിടെ, അട സ്വന്ത അമർ നേരിട്ട് കൊല്ലുന്നു, ഓ നേരിട്ട് കൊന്ന അക്രബ്സിനെ കൊന്ന അപ്നെ ഹി പ്ലെയർ എസ്ബോർ നോക്ക് ആക്കിയപ്പോൾ തന്നെ എക്സ്പ്ലോറർ നേരിട്ട് വന്നു। इतने सारे ग्रेनेड्स हो गए इस फाइट में कि नहीं पता चल रहा है कि अपने को डाउन कर रहे हैं या गैरो को, बट फिलहाल के लिए निंजा जॉर्ड ने काम थोड़ा सा खराब अपने टीम के लिए। तो नाइस रहा मैंने, इतना ही बोलूं नाइस रहा, विषय विषय बिटेल थर्ड पार्टी के अंदर टाइगर्स और गुजरात टाइगर्स के सुनामी भी पीछे से शॉट दे रहे हैं। सोमराज 1 एचपी में बचे, बट दिया था ग्रेनेड, डज द जॉब, टीम एंटिटी गेट्स एलिमिनेटेड राइट अवे विद अ ब्रिलियंट ग्रेनेड, बट ब्लाइंड इज फॉर नाउ स्टार्ट टू कैपिटलाइज। पैराडॉक्स को डाउन किया, टॉप डॉग को भी डाउन करके फिनिश कर देंगे इट सीम्स लाइक, और बहुत अच्छे स्पॉट पे ब्लाइंड को आई थिंक बहुत ही बढ़िया तोहफा मिला। अच्छा स्प्लिट है, गाड़ियां इनके पास अभी भी है, घूम घूम के सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करते जा रहे हैं। जो नॉक प्लेयर थे वो सारे भी कन्वर्ट कर लिए, आई थिंक गुजरात टाइगर्स के ऊपर भी पाउंस ऑन किया जा सकता है बैक टू बैक ग्रेनेड्स करके, बट लेट्स सी क्या वो जोन के बाहर ही एलिमिनेट हो जाएंगे। आई थिंक यस, ब्लाइंड एस पावर की तरफ गाड़ी आ रही है, स्पॉट करा है एक प्लेयर को, व्हीकल रन ओवर से बड़ी ही आसानी से एस पावर ने डाउन कर दिया, और जो प्लेयर खुद गाड़ी घुमा रहे हैं उनको ये चेज कर रहे हैं, ये अलग गेम खेल रहे हैं। ये आई थिंक बीजेवाई से हटके एक अलग गेम की प्रैक्टिस करते हैं जिसका इन्हें बड़ा ज्यादा फायदा भी मिलता है। स्पॉट भी कर लिया, बिल्कुल उनके पास जाके गाड़ी रोकेंगे, आई थिंक उनकी गाड़ी के कवर का भी यूज करेंगे, बट व्हीकल रन ओवर से डैमेज देना चाह रहे हैं, जो कि दिया भी। एक और व्हीकल रन ओवर ट्राई करा टीम ब्लाइंड ने। ये एंड गेम में इनका स्ट्रेटजी रहता है कि यहां पर हम अपनी गाड़ियां गाड़ियां ही खेलेंगे, हमें वेपन्स का यूज तब करना जब बहुत ज्यादा जरूरत पड़े। सारे के सारे प्लेयर्स गाड़ियां घुमा रहे हैं ढूंढ ढूंढ के, ये देखिए व्हीकल रन ओवर से डाउन करा और टीम ब्लाइंड फिनिशेस ऑफ थिंग्स इन स्टाइल। इंडीड Indeed, a beautiful moment for Team Blind Esports. Chicken dinner निकाल लिया है आज के दिन पे, कल के दिन पे, पहले मुकाबले में।